सही बताऊं तो मैंने गुरुजी को भी जब ऑपरेशन की नौबत आई तब बताया। मैंने सोचा क्यों परेशान करना है। मैं दिन में ट्रेनिंग करके अच्छी लेग्स की ट्रेनिंग करके गया हूँ। एक फंक्शन भी मैंने अटेंड किया। वहाँ से मैं घर आया कुछ 12 बजे के आसपास। 1 बजे तक मैं सो गया और मेरे को 3 बजे सडनली पेन शुरू हुआ है। 108 109 ऐसा मेरा रहता है। 108 से 10 के बीच रहता है। तो 17-18 किलो वह ही होगा। लगभग इतने 18 दिन में 17-18 किलो वेट हाँ कम हो गया। बिल्कुल सुबह 5 से घंटे, शाम को 5 से घंटे, यानी कि हाँ आपके 12 घंटे तो जिम में ही बीतते जिम हैं पे ही हो अपने जाते हैं। स्टूडेंट के साथ, हाँ हाँ और एकदम से ये लाइफ एकदम से हॉस्पिटल में चली गई। हाँ तो कैसा फील हुआ आपको ऐसा? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कि भाई फिर दोबारा से द ग्रेट इंडियन चैनल के ऊपर। बहुत लोगों को बहुत प्यार दिया आप लोगों ने और हमारे चैनल को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली है। और मुकेश भाई का पहले भी हमने इंटरव्यू लिया है, आप लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी मेरे पास, बहुत फोन आए मेरे पास, बहुत मैसेज आए कि गुरु जी के बारे में बताओ, गुरु जी बीमार हो गए, आए नहीं जिम में, कैसे क्या हुआ। तो आज मैं बैठा हूँ मुकेश भाई के पास और आज पूछेंगे मुकेश भाई से कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी ऐसी जो लाइफ में फर्स्ट टाइम इन्होंने इतने दिन तक वर्कआउट छोड़ा है और इतने दिन तक हॉस्पिटल में रहे और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो मिलते हैं मुकेश भाई से। मुकेश भाई नमस्कार। जी प्रभु जी, और नमस्कार। हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से मैं भगवान से शुक्रिया अदा करूंगा एक बार फिर दोबारा कि आप फिर दोबारा से जिम में हो और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। इंडिया को आपकी बहुत जरूरत है मुकेश भाई, लाखों स्टूडेंट तैयार करने आपने भी और भारत माता के एक बहुत योग्य बेटे हो आप, जो कि हेल्थ के ऊपर थोड़ा फोकस कर रखा है, यंग को यूथ को आप बहुत मोटिवेट करते हो। थैंक यू भवन जी, और ये सब आप लोगों की वेल विशेज हैं। बड़े जल्दी जिम पे आ भी गए हैं और जल्दी फिट भी हो जाएंगे। और मेन टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेडल लेके आए, वो मेरा हमेशा ही रहता है, उस पर चल रहा है काम। मुकेश भाई से हम काफी टाइम बाद मिले हैं फिर दोबारा से। तो मुकेश भाई, कैसे आप अचानक से जिम से गायब हो गए और लोगों को बताया भी नहीं आपने, इस वजह से नहीं बताया कि बहुत लोग परेशान हो जाएंगे? बताया इसलिए नहीं क्योंकि देखो ट्रीटमेंट तो डॉक्टर्स ने करना है बच्चों की। हालांकि चलो उनका प्यार है कि वो मिलने भी जाते हैं तो वो हॉस्पिटल के बाहर बड़ी भीड़ हो जाती है, वो डॉक्टर्स ही परेशान हो जाते। अब ICU में था मैं, वहाँ जाने तो कुछ भी देते नहीं है। तो मैंने बताया भी नहीं किसी को। सही बताऊँ तो मैंने गुरुजी को भी जब ऑपरेशन की नौबत आई तब बताया। मैंने सोचा क्यों परेशान करना है। तो मुकेश भाई क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको? प्रॉब्लम ये, एक तो मैं बता दूँ कोई बीमारी नहीं थी। एक सडनली ये समझो कि एक एक्सीडेंट की तरह बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन ना वो मूव करती रहती है एब्डोमेन के अंदर, जो छोटे आते हैं हमारे, छोटे आते हैं जो बीच में फ्लूड रहता है वो थोड़ा थोड़ा मूव करती रहती है। लेकिन अगर कभी वो सडनली मूव करते करते ट्विस्ट हो जाए, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, यही हुआ मेरे केस में, वो ओवरलैप करके बैंड होगी वहाँ से, और जहाँ से बैंड हुई वहाँ पे ब्लॉक होगी, तो ब्लॉकेज होगी, ना खाना आगे पास हो रहा है ना गैस पास हो रही है। और हुआ सडनली है, मैं दिन में ट्रेनिंग करके अच्छी लेग्स की ट्रेनिंग करके गया हूँ। एक फंक्शन भी मैंने अटेंड किया। वहाँ से मैं घर आया कुछ 12 बजे के आसपास। 1 बजे तक मैं सो गया और मेरे को 3 बजे सडनली पेन शुरू हुआ है। रात से पहले मुझे कभी कोई पेन नहीं था, जब से बॉडी बिल्डिंग शुरू की मुझे, मैं सही बताऊँ तो कोई बीमारी, छोटा मोटा कोई बुखार हो गया तो हो गया 1-2 डिग्री ऊपर, अदरवाइज मुझे 25 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग करते, कोई परेशानी नहीं है अब तक। तो ये डॉक्टर से जाके चेकअप किया तो वही निकल गया कि आते हैं ना ट्विस्ट कर गए, आते आपस में ट्विस्ट हो गई, एक दूसरे के ऊपर चल गई ऐसे। हाँ वो 5 दिन तक तो वो ट्रीटमेंट करते रहे कि क्या पता मेडिकेशन से हो जाए, जब नहीं हुआ तो फिर इनको डिसाइड डिसीजन लेना पड़ा कि अब ये ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर वो शुक्र ये रहा कि बहुत लंबा कट नहीं लगा मेरा, लेप्रोस्कोपी से हो गया, दूरबीन से जो करते हैं रोबोटिक सर्जरी उससे हो गया। तो छोटा सा कट लगा, 2-3 जगह वो दूरबीन से, तीन जगह होल करते हैं वो, उसके बाद 2 दिन से सारा प्रोसेस होता है वो। तो 5-6 दिन इंटेस्टाइन ब्लॉक रही, वहां से वो थोड़ा सा मेरे ख्याल इन्फेक्शन भी हो गया। उसके बाद इन्फेक्शन की वजह से पेन नहीं हुआ, वो ब्लॉकेज होने से, की वजह से सब कुछ, फिर वो इन्फेक्शन हुआ। हाँ जहाँ पे ब्लॉक था वहां से थोड़ा इंटेस्टाइन को कट भी करना पड़ा, कुछ छोटा सा ऑपरेशन है अंदर, कोई ब्लॉकेज के लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, तो वो 4-5 घंटे चला ऑपरेशन, उसके बाद वो मैं 5 दिन और ICU में अंडर ऑब्जर्वेशन रहा, तो टोटल 10-11 दिन ICU में रहा। फिर 4-5 दिन उन्होंने, 3-4 दिन हो रहा था, तो
और उसके बाद मैं घर आ गया था, लेकिन लिक्विड डाइट पे रहा मैं उसके बाद भी 10 दिन तक, और फिर एक वीक मैं बिल्कुल सॉफ्ट डाइट पे रहा, और अब कल से मेरी डाइट प्रॉपर शुरू कराई डॉक्टर ने। तो टोटल हॉस्पिटल में कितने दिन रहे आप? मैं 18 दिन रहा। 18 दिन हॉस्पिटल में रहे, उसमें से कितने दिन आईसीयू में रहे आप? मैं 11 दिन आईसीयू में रहा, तो बाकी वार्ड में रहे फिर 7 दिन। हाँ, तो 7 दिन फिर आईसीयू में तो उनका बिल्कुल कोई टाइट होगी बहुत ना के बराबर? आईसीयू में तो वो नहीं, पानी भी नहीं, वो तो फिर वो फ्लूइड चलता है उसी से आपकी ऑक्सीजन वगैरह चलती है, ग्लूकोज वगैरह लगे रहते हैं जो भी फ्लूइड है उसी के थ्रू मेडिकेशन चलता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद भी, वार्ड में आने के बाद भी 2 दिन बिल्कुल पानी पे रहा, फिर लिक्विड डाइट में उनका सूप होता है, जूस होता है जरा सा, और कोकोनट वाटर, ये चलता रहा 4-5 दिन। फिर मैं सॉफ्ट डाइट पे आया, डॉक्टर ने जैसे बताया, उसमें बड़ी हल्की डाइट है, जैसे वो खिचड़ी होगी, थोड़ा सा छिलका उतार के फ्रूट खा लिया, जूस बना लिया घर पे, कोकोनट वाटर है, पानी ज़्यादा पीने के लिए बोला, ये चलिए कब तक। तो ये सब जो जो आदमी 2,500-3,000 कैलरीज अपनी मेंटेन कर ली रखता है, उस 5-6 कैलरीज पे आ जाओ, हाँ, तो वेट लगातार उस दौरान गिरना ही था। तो कितना वेट कम हो गया आपका? मेरे ख्याल अभी 95 के आसपास है, और ये 92-93 तक गया होगा, क्योंकि अभी 1-2 किलो गेन भी हो गया। तो पहले कितना था बीमार होने से पहले? 108-109 ऐसा मेरा रहता है, 108-110 के बीच रहता है, तो 17-18 किलो गया ही होगा लगभग। इतने 18 दिन में 17-18 किलो वेट कम हो गया? बिल्कुल। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ही इतना आप हॉस्पिटल में रहे मेरे ख्याल से? मैं लाइफ में सही बताऊं तो 2 बार आज तक मैं हॉस्पिटलाइज हुआ। एक बार 28 साल पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, और सेकंड ये भी एक इंसिडेंट ही था, ये हुआ, अदरवाइज मैं बीमारी नहीं हुआ। मुझे हल्के फुल्के बुखार के अलावा कुछ हुआ ही नहीं, सही बताऊँ तो, वो भगवान का आशीर्वाद है। तो ये बड़ा बैड एक्सपीरियंस कहूँ या बता नहीं, क्योंकि आईसीयू तो मैं कभी रहा ही नहीं। एक दिन पहले रात जब ऑपरेशन हुआ, और ये 10-12 दिन तो आईसीयू में तो आसमी आदमी अकेला हो जाता है ना, दिन कब निकल रहा है, रात का वो नहीं पता ही नहीं पता। तो मुकेश भाई कैसा आपको जब आप हॉस्पिटल में रहे, और आप तो आपका तो मैंने देखा कि सुबह 5-6 घंटे, शाम को 5-6 घंटे, यानी कि आपके 12 घंटे तो दिन में ही बीतते हैं स्टूडेंट के साथ, और एकदम से ये लाइफ एकदम से हॉस्पिटल में चली गई, तो कैसा फील हुआ आपको? ऐसा बस ये है कि अनसर्टेनिटी बहुत है लाइफ में, बहुत ज्यादा आए तो वह हम लोग करते रहते हैं कि इस बार ये प्लान करूंगा, ये करूंगा, इतने बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, लेकिन लाइफ में अनसर्टेनिटी ऐसी आपको कभी नहीं पता होता कल का अपना। जैसे मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था, और आगे कुछ घंटे के अंदर ही ये प्रॉब्लम शुरू होगी, पार्टी में से आए थे, अनसर्टेनिटी बहुत है। तो ये ऐसे ही है कि बहुत लंबी प्लानिंग तो करें, लेकिन एक चीज हमेशा दिमाग में रखें कि आपके हाथ में ये जो आज मोमेंट है यही है, कल का मोमेंट आपके हाथ में नहीं है, आएगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं होता कल क्या कंडीशन रहेगी, एक पल का भी नहीं पता। तो मुझे भाई कहना है कि आज की जिंदगी मेंटेन जो करना है आज ही करना, हमने आज हमने रेस्ट नहीं करना, आज अपना जो हम करना चाहते हैं अपने सपनों के लिए वो आज ही करना, कल पे नहीं छोड़ना, कल का बिल्कुल नहीं पता हमें कहाँ जाना पड़े, क्या हो जाए, कोई अचानक ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कुछ नहीं पता, आज को वेस्ट नहीं करना बस, अगर सपने हैं तो आज का दिन यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये फिर क्या आएगा, कुछ नहीं प्लान, अचानक से जिंदगी टर्न लेती है। बिल्कुल। तो मुकेश भाई अब वापस आ गए आप जिम में, तो अब क्या प्लान है और कैसे कैसे अपने आप को रिकवर करोगे, क्या डाइट का प्लान है कि कैसे कैसे मैं डाइट पे फॉलो करूंगा? बस मैंने वो बताया, अभी तक तो मैं सॉफ्ट डाइट में था, और अब कल से ही प्रॉपर डाइट डॉक्टर ने बोला आप ले सकते हो, बहुत हाई फाइबर डाइट अभी भी मना किया, और धीरे धीरे रिकवर तो देखो इतने सालों का वो एक मसल मेमोरी है, उसको मैं रिकवर तो हम 3-4 महीने में कर ही लूंगा। बिल्कुल। हाँ, लेकिन एकदम से बड़ी रिगरस ट्रेनिंग में नहीं जाना, कम से कम बॉडी को सुनना पड़ेगा, 4-6 वीक लगाओ, आराम से वेट करो, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप कभी भी इस तरह से लंबे गैप के बाद ट्रेनिंग शुरू करते हैं, या कोई इंजरी होगी, या कोई किसी वजह से आप नहीं कर पाए, तो एकदम से बहुत रिगरस ट्रेनिंग में नहीं जाना, थोड़ा पेशेंस रखे, बॉडी को सुने, ये अपने आप बोलती रहेगी हाँ आप ठीक है, अभी तक ठीक है, तो आज मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया ना, आज नहीं बोलेगी बॉडी, कल बताएगी, कल जब हर जगह पेन होगा ना तो तब पता लगेगा। बिल्कुल। आज ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेंगे,
और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग, मैं तो चलो मेरे को बहुत ज्यादा वो नहीं था, लेकिन मेरे से ज्यादा बड़ी इंजरी से भी लोग पार पा के दोबारा गेम में आते हैं, चैंपियन बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां देखी, युवराज तो कैंसर था उनको, बिल्कुल उसके बाद दोबारा गेम में आए। हाँ, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। हमारा तो फिर भी छोटा सा किस्सा है, ये बहुत वैसी बीमारी, लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी बिल्कुल ये नहीं थी, तो लोग बड़े बड़े उससे पार पा के आ जाते वापस। अब बच्चों के बीच बैठ गए आगे और जल्दी रिकवर हूँ। हाँ, माहौल फिर वही वाला, पॉजिटिविटी बहुत है। बिल्कुल, जब इतने यंग बच्चे लगे हुए वर्जिश करने, सब एक से एक अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, तो उनका माइंड पे वो आता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ जल्दी ही रोता है आदमी। बिल्कुल, अपनी फील्ड में बैठ के जहाँ खुश रहता है, बिल्कुल घर बैठ के वो बीमारी से फील करता रहेगा। बिल्कुल, तो इनके बीच में आ गए, हम जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। यही जीवन है। बिल्कुल, मन भी सबसे ज्यादा यही लगता है। मुकेश भाई का हमने पहले भी इंटरव्यू लिया है दोस्तों, और अब आपको पता लग गया कि क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से हॉस्पिटलाइज हुए थे। एक छोटी आंत में ट्विस्ट हो गई थी, दो आंतें आपस में चल गई थी ऊपर नीचे, उस वजह से छोटा सा ऑपरेट हुआ और आंतें ट्विस्ट हो गई थी, छोटा सा ऑपरेशन हुआ। 12 दिन ICU में रहे और 8 दिन 7 दिन वार्ड में, 18 दिन बाद जिम में आ गए थे। तो अभी आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मुकेश भाई कैसे जिम में नहीं आए। लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतने दिन जिम मिस किया। मुकेश भाई फर्स्ट टाइम ऐसा भी होगा कि आपने वर्कआउट नहीं किया इतने दिन। हाँ, कभी मैं घूमने भी जाता हूँ, वहाँ भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ही वर्कआउट से दूर हूँ, ऐसा होता नहीं। ये तो फर्स्ट टाइम हुआ, लाइफ फर्स्ट टाइम हुआ। और ये भी बताया मुकेश भाई ने कि भाई लाइफ को बिल्कुल भी ये मत समझो कि कल क्या होगा, कल का कुछ को नहीं पता, कुछ भी आज चीजें होती है, जो करना है वो आज जो बनेगा वो आज ही बनेगा। हाँ, सबके पास आज का ही दिन है, तो पता ही नहीं कल का पता नहीं है। तो आज कुछ भी अपना ट्रेनिंग या डाइट मिस नहीं करना, अपनी डिसिप्लिन, अपना काम, अपनी जॉब, हर चीज को आज ही मैनेज करना, कल में नहीं छोड़ना। तो भाई आपने डाइट की तो बता दी, वर्कआउट कैसे स्टार्ट करोगे आप? वर्कआउट में अब बिल्कुल जैसे थेराबैंड से शुरू करके और धीरे धीरे 5 किलो का डंबल, 10 किलो का धीरे धीरे बढ़ाएंगे उसको, 2 से 3 हफ्ते में बॉडी जैसा रोज बताती जाएगी वैसा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जरा सा ज्यादा करेंगे नेक्स्ट डे ये बॉडी देगी ज्यादा होगा, तो धीरे धीरे शुरू करेंगे प्रॉपर रिकवरी नहीं होगा। हाँ, 4 से 6 वीक लगेगी पूरी ट्रेनिंग में आने में, और अगले 10-12 वीक में फिर हम अपना फिर पहली तरह बच्चों में तो लग जाएंगे। ये मैंने इसलिए पूछा आपसे कि हमारे कोई एथलीट हो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, तो वो भाई से देख लो भाई अब ओपनली बोल रहे हैं बिल्कुल, कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे डाइट खानी है, तो कैसे कैसे शुरू करनी है, पहले थेराबैंड से शुरू करेंगे। मैं तो कहता हूँ थेराबैंड से बिल्कुल आप मसल को एक्टिवेट करेंगे पहले। हाँ, लोड नहीं डालना हमने, एक्टिवेट करना या बहुत लाइट वेट से, क्योंकि लाइट ट्रेनिंग थेरेपी काम करती है, वो एक्सरसाइज नहीं है। आपका मसल एक्टिवेशन हो जाए, ज्वाइंट की मोबिलिटी दोबारा से शुरू हो जाएगी, स्टिफनेस बॉडी में वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल, एक्टिवेशन का ही काम, सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ेगा वहां पे, थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाएगा आपको, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा वैसे वैसे लोड बढ़ाते रहेंगे, उसके बाद फिर वेट ट्रेनिंग पे चले जाओगे। फिर वेट ट्रेनिंग पे बहुत हल्की ट्रेनिंग से जब थोड़ा सा मॉडरेट पे जाएंगे जब ट्रेनिंग शुरू होगी, अभी तो लाइट ट्रेनिंग थेरेपी है, तो ये थेरेपी 2 से 3 वीक चलेगी, उसके बाद अपना ग्रेजुअली उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं करनी, खासतौर से जब आप इंजरी से आते हैं या किसी उससे आते हैं, गैप के बाद आएंगे तो 2 वीक में ट्रेनिंग शुरू हो सकती है, लेकिन किसी इंजरी से आप आए हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो जो 18 किलो वेट कम हो गया, ये कब तक हम आपका मतलब कैसा है कि किस डाइट प्लान से कब तक आप रिकवर कर लेंगे फिर दोबारा? ये समझो कि 3 से 4-5 महीने लग जाएंगे, लगेंगे इतना वापस आने में। हाँ, 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि बॉडी की अपनी मेमोरी है, उस तक जाना तो आसान है लेकिन धीरे धीरे जाएगी, ये नहीं कि हम 2 महीने में 10-12-15 किलो मसल मास गेन कर देंगे, ऐसे तो होगा नहीं। हर एक को पता प्रोसेस है, धीरे धीरे गेन होता है मसल। बिल्कुल। हाँ मुकेश भाई, एक बात और बता दूं आप लोगों को, मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी आ गया कि जब मुकेश भाई का इस बीमारी में 18 किलो वेट कम हो गया मसल्स वेट, तो जो आदमी खुद ही 50 किलो का है तो उसका क्या हाल होगा? अब वही है, जितना अपने आप को फिट रखें आप और एक एवरेज वेट पे या उससे थोड़ी सी अच्छी फिटनेस रखेंगे तो आप ज्यादा किसी भी बीमारी को या इंजरी को झेल पाएंगे। आप ऑलरेडी वीक होंगे तब आपके लिए फिर दोबारा खड़ा होना थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, मुश्किल हो जाएगा। मान लो 50 किलो वेट अठारह चला जाएगा, बिल्कुल 32 किलो वेट में आप कैसे सर्वाइव करेगा? अगर चलो उसका 18 नहीं भी जाएगा, 10 भी जाएगा तो उसी उसमें बहुत ज्यादा नजर आएगा। हाँ, तो आप रेगुलर
एक्सरसाइज के टच में अच्छी डाइट लेते हैं तो इसका फायदा आपको लाइफ में हर फेज में मिलेगा। ये बीमारी में भी मिला है, गुड फेज में भी और बैड फेज में भी, बिल्कुल आपको हमेशा उसका बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, अगर आपके पास अच्छी फिटनेस है, अच्छा मसल मास है और आपने अपने आप को अच्छा बिल्ड किया हुआ है तो बीमार होने के बावजूद भी रिकवरी भी फास्ट होगी। देखो ना, कोविड में भी जो लोग बहुत फिट थे उनको हो भी गया तब भी वो इजी सर्वाइव कर गए। जो लोग किसी न किसी बीमारी से वो थे, जिनको कोई ना कोई सीरियस पहले जिनको दिक्कत थी कुछ ना कुछ इश्यूज थे, उनके साथ ही मिस हैपनिंग भी ज्यादा हुई और उनको रिकवर करने में लेट भी हो गए। वो फिट आदमी जल्दी रिकवर कर गया, उसको ज्यादा पता भी नहीं लगा। जैसे मुझे भी हो गया था कभी, मुझे एक दिन बुखार लगा, उसके बाद मुझे कोई वीकनेस नहीं, सिम्टम्स आए बस हल्के से। मैं हालांकि 15 दिन मैंने रेस्ट किया, ट्रेनिंग नहीं की, डाइट मैं अपनी जैसे सजेस्ट करते हैं डॉक्टर वैसे डाइट ली, लेकिन मुझे कोई वीकनेस फील नहीं हुई। बस तो यही फर्क है सिर्फ, जब आप फिट हैं तो आप इश्यू से जल्दी निकल जाते हैं, ज्यादा आप पैसा नहीं छोड़ते चीजें। चलो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा और मुकेश भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई और हम फिर दोबारा मैं और आप सब मिलके भगवान से दुआ करते हैं कि आगे लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो इनके साथ, हमारा प्यार बना रहेगा इनके साथ हमेशा ऐसे ही और इनका आशीर्वाद बना रहेगा सबके ऊपर जो बच्चे खेलने वाले हैं इंडिया में। और इसी के साथ मुकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, आपने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि बताऊं मुकेश भाई के बारे में, तो आप सुन लो इस वीडियो को अच्छे से और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना और ऐसे प्यार देते रहो और बहुत जल्दी मुकेश भाई का वर्कआउट दिखाएंगे। बिल्कुल, आने वाले टाइम में जब थोड़े से और फिट हो जाएंगे कि देखो आप फिर दोबारा से शेर आ चुके हैं वापस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।